पण पराया झटा
त्रिकोचो धारणं सालपाप वाम भागेनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलं श्रीहरि श्रीहरि आ नागरी पति घेन घेन मोर वंदन नागरी पति घेन घेन मोर वंदन नागरी पति घेन लक्ष्यदेव मोर श्रोता बंधु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंगर लेखनी मनरे आमर नागर्थरे पंचदेवता को वंदना करी पूरे आमर विषयवस्तु आरंभ करिबा प्रत्येक शब्द रे नाग लागिवो लेखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोन मलि कहिले का कहिले आ नाग नाशकारी हे नाग शिरधारी अच्छा नाग यज्ञ उपवित धारण हाँ नाग राजानन नवदानंदन अघनासन मुकरे वंदन नागरी पति घेन घेन मोर वंदन नागरी पति घेन घेन मोर वंदन
हेना गारी पति हेना हेना मोर बंदन नगारी पति हेना नाग नाशकारी हे नाग रक्षाकारी नागर मुकुट नाग मर्धन ए नागरी छुरा नग पर धरा नाग गीलापति पादे शरण नागरी पति घेन घेन मोर बंदन नागरी पति घेन पति घेना हे नमर बंदन नगारी पति घेना नारायण गले आसे रुद्र अच्छा रुद्र बा महादेव भक्त तृतीय पद वंदना करू जंदी हा हा एक नाग नाशकारी हे नाग शिरहारी नागर लपिया गो वाहन नागरे भूषण नगे तोर स्थान अच्छा नागरे भूषण हल नग बोले पर्वत बास कल प्रभु हाँ नागरे भूषण नगे तोर स्थान बंधु अच्छी तोते मुदी नहीं नागरी पति घेन घेन मोर बंदन नागरी पति घेन पति घेन घेन मोर बंदन नगारी पति घेन आया चतुर्थ पद रे जोग शक्ति जोग माया को भक्त पुणि वंदना करू जंदी कोन बोली आहा नगरु संभूत नागानन मात नगेश हटई तोर वाहन अच्छा नगरु संभूत नागानन मात नगेश हटई तोर वाहन ए नाग भूषा दुसा नास मोर दशा अविरते वन्ने तोर चरण नागरी पति घेन घेन मोर वंदन नागरी पति घेन घेन मोर बंदन हे नागरी पति घेन घेन मोर बंदन नागरी पति घेन आज्ञा शेष पद रे पुणी आज्ञा सूर्य देवता को भक्त वंदना करू जंदी हा हा ए नागराहु ओइरी नगेश्वर मोहारी नाग नाक नरपुर नयन नाग शिर नाग दला गणा नाग नाग शिर नाग दला गणा नाग नग जाक पादे शरण आहा नग जाक पादे शरण पुणी पंचदेवता को वंदना कले ए गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न नकटतमक पंचदेव नमस्तुति ये जो पंचदेवता आमर ए ओडिशा प्रदेशर ए भारत वर्षर आमर ए सिद्धार्थ भक्ति चैनल समस्त मंगल कामना कर समस्त को शांति रखु भक्त प्रथमतः भगवान पदापद्र नवेदन कले एमर विश्ववस्तु आने गति करवा हरे ओला एड़ाइलु आमर काली विषयवस्तु थिला कोठे ना विषयवस्तु थिला आज्ञा मत उलार प्रश्न थिला बापार माइपो जीए पुअर माइपो सी मु सत्य जोग आलोचना कली आमर उलार से मनोनीत होलानी मन पाइला ना ठीक अच्छा उलारे ओ आमर जो आसंदा अध्याय आलोचना थिला अच्छा कौन आलोचना थिला बापार माइपो जीए पुअर माइपो सी भारत भितर किए हेले मु सत्य जोग आलोचना कली ठीक सत्य जोग तोर मनोनीत होलानी ना एबे तू पचारिबार अर्थ कौन ना बापार माइपो जी ही थी पुअर माइपो सी थी किंतु ए भारत वर्षर कथा ठीक बोले महाभारत मध्य तू मत पचार हाँ हाँ महाभारत विषय टे आलोचना कर ठीक महाभारत रे बापा जाकु रखिथिला ग्रहण करथिला एवं पुओ ताकु केमिति ता सहित संपर्क रखिला ताठु के उत्पत्ति हला अच्छा ए विषयवस्तु उपरे आमे आलोचना करिबा ठीक अच्छा उला ओ आमर द्वापर युगर महाभारत पर्व
ये महाभारत आलोचना हम महाभारत प्रभु कृष्णा टे वंदना करवा नारायण नमस्कृत नरोच नरोतम देवी सरस्वती वास तदेव मुदीर ये मुकंकर दिवाचा पंगुलंग यतगिरी जत्कृपातमहं वंदे परमा नंदमाधव परमा नंदमाधव श्रीहरि शुणतु आगे मोर पंडित जन शुणतु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन ना भौणी माने मोर मन नहीं शुण अति सुंदर विषय करवा वर्णन अति सुंदर विषय करवा वर्णन देव सभारे इंद्र बसी देख देव सभारे बाबू इंद्र बसी कम सेना अपसरी नृत्य करुले कम सेना अपसरी नृत्य करुले अति सुंदर जे नृत्य शुण हे सुजन नृत्य करुले अपसरी जान देख नृत्य करुले अपसरी जान उपस्थित मोर पंडित वर्ग देख इंद्र सभारे सर्वे बसी इंद्र सभारे सर्वे बसीण काम सेना अपसरी नृत्य करूछ अति सुंदर जे नृत्य शुण हे सुजन इंद्र कर मन मुहि से देला तक्षण इंद्र कर मन मुहि से देला तक्षण इंद्रंगर सभारे नृत्य परिवेषण होउछि कामसेना नामक एक अप्सरी नृत्य करुछि केमिति नृत्य करुछि आपण माने देखंतु इंद्र सभा चलिछि इंद्र सभा मध्यरे कामसेना अप्सरी नृत्य करुछन्ति एटी पुनी गोटे ओडिसी परिवेषण हबो श्याम प्रीति नुहिला
लक्षदेव मोर पंडित वर्ग वर्तमान अवसर नृत्य करने समय नृत्य सरी जा नृत्य सरवापर सुधन मास आज्ञा बंद हो जाए समय इंद्रदेवता कहले रात्र समय आज्ञा कामसनी अवसर की निमंत्रण करने कामसनी अवसर की निमंत्रण है रात्र समय रात्रि जापन कर इंद्र सहित कामसना अपसरी ये समय कौन हो आज्ञा आदेश दे इंद्र कामसना अपसर की जमी मत रात्र पठेवाक हम हेले उलारे ओ सी है कामसना अपसरी तू हलु इंद्र इंद्र हेले सी तो सब तो पाक रात्र समय गमन करे आसो आसो तो ये समय कौन है दुहिंग मध्य कौन दुही प्रीति भाव दुही प्रीति भाव बेलु बेल प्रीति कठिन होइला सुनंदु आइए मो पंडित जन बेलु बेल प्रीति घर होइला जान जेते बेले ब्रह्म पुणी इंद्रंग स्वरित हेला जेते बेले इंद्रंगर ब्रह्म स्वरित हेला सेते बेले काम सेना तृप्ति नहिला सेते बेले काम सेना तृप्ति नहिला उपस्थित मोर पंडित वर्ग दुई जन मध्य प्रीति भाव है इंद्र सहित कामसेन अपसरी प्रीति भाव समय अच्छा जितेबले इंद्र ब्रह्मस्थलित है से कामसेन अपसरी आज्ञा इंद्र प्रीति से सन्तुष्ट हो पारा ना ना मन द्विधा रही गला अपसरी अच्छा अच्छा कहला हे इंद्र तुम्हें मो सहित सीना प्रीति कल मुझे सन्तुष्ट नुहे नुहे से इंद्रदेवता कहले तुम्हें इंद्र सहित प्रीति कल इंद्र प्रीति में तुम सन्तुष्ट नुह नुह तेणुक अवसरी की कौन कले इंद्रदेवता ना अभिशाप दौरान कौन बोली कौन बोल अभिशाप दे कौन बोली मोर अभिशाप अपसरी मोहर अभिशाप घेन मोहर प्रीति रे संतुष्ट नहिलु दक्षण तेणुक मोर अभिशाप पाइबु उलग्न हो मर्तरे जन्मु उलग्न हो मर्तरे बुलिबु अच्छा एक लक्ष स्वामी को जे वरण करिबु एक लक्ष स्वामी को तू वरण करिबु उपस्थित मोर पंडित वर्ग कामसेन अपसर की इंद्र अभिशाप दे कहले तुम्हें मो प्रीति से सन्तुष्ट हेलो नाही तेणु मु तुमको अभिशाप देउछि तुम्हें उलग्न हो मर्त्यरे बुलिब इंद्र सहित प्रीति तुम असंतुष्ट हल तेणुक मानव मान तुम सहित प्रीति करिवे करिवे जी देखिब तुमको सी प्रीति कर अच्छा यहपर लक्ष्य स्वामी ये मर्त्यमंडल तुम्हें भोग कर ठीक से तले कामसेन अपसरी कौन कले कौन कले देख इंद्र पाद तले पड़ी गले इंद्र पाद तले पड़ी गले के उपाय रे स्वर्ग को आसीबी बोले अच्छा के उपाय रे स्वर्ग को आसीबी बोले अपसरी कहले हे इंद्र मोर तो भूल हो जाइए मु तुम सहित प्रीति कर असंतुष्ट हो तेणु कौन कले ये मु मर्त्यमंडल जन्म भी पुणी उलग्न रूप से बुलवि उलग्न रूप से बुलवा समय मत जी देख मत सी भोग कर कौन कले पुणी मु आ आसि स्वर्गपुरी को अच्छा अच्छा से कौन कहते इंद्र कौन मोर कथा शुणल तु मते बोलु थिबु तुगी उलग्न रूप होई ठीकी बार विश्व देवा हरण करिवे द्वादश विश्व देवा हरण करिवे अच्छा एक संतान तो गर्व रु जन्मिव कबवे सेतले तुगी स्वर्ग को आसिबु ओ पुणी मोह पाके अपसरी रूप को नेबु अच्छा पुणी
ଶଳାରେ ତୁହି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ପୁଣି ଏ ଶଳାରେ ତୁହି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବୁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, କାମସେନ ଅପ୍ସରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଜନ୍ମ ହେବ, ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ବୁଲିବ ବୁଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଶ୍ୱଦେବା ତୁମକୁ ହରଣ କରିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ବିଶ୍ୱଦେବାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ। ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ତୁମର ପେଟକୁ ଚିରି ଦେଇ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ ଆସିବ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଚନ କେବେ ନ ହୋଇଲା ଆନ ସେନା ଅପସରି ମତେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଲା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ। କାମସେନା ଅପ୍ସରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ବୁଲିଲେ, ଏ ସମୟରେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଜାନୁ ଯୌବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ, ଯିଏ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି ଆଚରଣ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏମନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଗତ ହେବା ହେତୁ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାପରେ ବାର ବିଶ୍ୱଦେବା ଦିନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର କାମ ପିପାସ ବଢ଼ିଲା। କାମ ପିପାସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ନାରୀକୁ? କ'ଣ ଏ ସମୟ କାମ ସେନା ଅପସରି ଜାଣ ବାର ବିଶ୍ୱଦେବା ସହିତ ହେଲା ମିଳନ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣ ଜଣ କରିବାର ଜଣ ଯେ ହରିଲେ ଠିକ, ବାର ଜଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳୀ ତ ହେଲା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ଅପସରି ଗର୍ଭେ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଅପସରି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଅପସରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଦ୍ୱାଦଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାର। ବାର ଜଣ ବିଶ୍ୱଦେବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର କାମ ପିପାସ ବଢ଼ିଲା। କାମ ପିପାସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏ ଅପସରୀ ସହିତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବାର ଜଣ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ହେଲା କ'ଣ? କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଅପସରୀ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଠିକ୍, ଏ ଗର୍ଭବତୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଠୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ସେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ପେଟ ଚିରି ଏକ ସନ୍ତାନ ପେଟ ଫାଟି ବାହାରିଲା, ଶୁଣ ହିଁ ସୁଜନ ପେଟ ଫାଟି ବାହାରିଲା, ଶୁଣ ହିଁ ସୁଜନ ଦେଖ ବାର ଗୋଟି ମସ୍ତକ ବାର ଭୁଜ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଦେବା ବଳିଣ ବିଶ୍ୱ ଦେବାଙ୍କର ସୁତ ହେ ଭର ଦ୍ୱାର ହେଲା। ହଉ, ବିଶ୍ୱଦେବାଙ୍କର ସୁତ ଭରଦ୍ୱାଜ ହେଲା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ କାମସେନା ଅପ୍ସରୀ ଗର୍ଭରୁ, ଭୁଜ ହେଲା ବାର, ଏ ମସ୍ତକ ହେଲା ବାର, ବାର ଗୋଟି ମସ୍ତକ ବାର ଗୋଟି ଭୁଜରେ ପେଟକୁ ଚିରି ବାହାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି। ଠିକ୍, ଠିକ୍, ଏଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ଆଚ୍ଛା, କାମସେନା ଅପ୍ସରୀ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ପରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏ ସମୟରେ ଭରଦ୍ୱାଜ
बड़ी हो गले बड़ बड़ हो बाबूर बयस प्राप्त हेले जिते बयस प्राप्त है ये भरद्वाज ऋषि सहित आमर सुरजिता गोटे नारी सहित प्रथम बहुत है सुरजिता गोटे नारी सहित भरद्वाज ऋषि विवाह हला अच्छा अच्छा विवाह हेबा पर कौन हला आगे कौन होइछि आगे ये तो ऋषि ऋषि सहित गोटे नारी केवल दाहिक संपर्क रही ना ना शास्त्र मना करुछि ये ऋषि सहित केवे मध्य ए सुरजिता ऋषिपत्नी काम पिपास आसिले मध्य ऋषि ताको विताड़ित कर दियंती अच्छा ऋषि सहित तार सहवास हला ना ना यहीपर किसी दिन बीतीगला अरे दिने ऋषि आश्रम रे बसी छंदी दिने ऋषि आश्रम रे बसी छंदी ए समय सुरजिता रे आसंदी तांगर पत्नी सुरजिता जान ऋषि निकट को कले गमन ऋषि निकट को कले गमन ऋषि निकट को गमन कले सुरजिता कहले हे ऋषिवर मु तुमको बहुत कली सत किंतु बहुत करने गोटे नारीर कर्तव्य कौन ना संतान प्राप्ति करवा ठीक जो नारी संसार जन्म हो पुत्र संतान टे प्राप्ति न कर तार जन्म धिक बोली कवि कहले शास्त्र परा कहला राजा जन्म बिना द्विज श्रुति बिना ज्ञान बिना जोगिना मित्र सत्य बिना हयगति बिना वैडर्ज ज्योतिर्बिना जुध सुर बिना तपव्रत बिना गीतंच कंठ बिना नारी पुत्र बिना नर हरि बिना मुंचंदी शीघ्र बुधा श्री हरि लक्षदेव मोर पंडित वर्ग आमर नारीर धर्म हला आज्ञा संसार रे केवल पुत्र संतान प्राप्ति उद्देश्य रे अच्छा आ मानव समाज जन्म होइछन्नि संसार रे जे मानव जन्म होइ संसार रे हरि नाम कीर्तन न कला आज्ञा तार जन्म धिक बोली कवि कहिले ठीक हरि नाम कीर्तन न करिबा मानव जन्म धिक नारी जन्म होइ जदि पुत्र संतान टे प्राप्ति न होबो तार जन्म मध्ये धिक ठीक आज कहउछन्नि सुरजिता हे ऋषिवर मु तुमको बहुत कलि सत तुम सहित मोर दाहिक संपर्क रहिला नाही मु संतान प्राप्ति करि पाली नाही नाही कौन कले गोटे नारी संतान योग्य हबो ए विषय रे पचारुचंदी ऋषि को भरद्वाज ऋषि कहउछन्नि सुरजिता को गोटे नारीर धर्म आठ प्रकार धर्म अच्छे आज्ञा संतान प्राप्ति करने ऋषि कहले अच्छा सुरजिता सुरजिता आठ प्रकार धर्म अच्छे संतान प्राप्ति करने आठ प्रकार अच्छे आठ प्रकार धर्म कौन कौन पचारुचंदी सुरजिता कौन कौन एबे ऋषि कहउछन्नी ऋषि बर कहिले मु तुमर स्वामी मु तुमर स्वामी हेले मो द्वारा तुमर पिला हेला नै हां हेला रे से गोटे कथा का ना तमो तो द्वारा हेलानि जदि स्वामी द्वारा संतान न हो कौन करिवा आगे गोटे नारी कौन निज स्वामी द्वारा जदि नोहिबो स पुत्रे स्त्री यज्ञ करीब ताकि ऋषि गण लक्षदेवे मोर मानव समाज शास्त्र कहला निज स्वामी द्वारा जदि न हुई सतान पुत्र स्त्री यज्ञ कर डाके ऋषिगण पुत्र स्त्री यज्ञ कर तृतीया जुगरे दशरथ महाराजा जपरी पुत्र स्त्री यज्ञ सतान उत्पत्ति करते अच्छा से हीपरी सतान यज्ञ हो पार पुत्र स्त्री यज्ञ कर जदि पुत्र स्त्री यज्ञ ना कौन कर कौन कर आजिकल तो कली युग आज्ञा पुत्र स्त्री यज्ञ कर कोटी कोटी टाँग सर देते गोटे पुड़े जन्म हो पार हम ना कौन करवाक हमें पुणी ऋषि कहते सुरजिता
ना कौन बोली कहले कौन रामायण पाठ करने सुनिब त्रुटि अधर्म पालन करिब कौन बुझिपारु हाँ कौन है रामायण पाठ शुणिले पिला जन्म हो बोले कौन रामायण शुणिले पिला खाली हो ना कौन आ कौन अरे रामायण जदि शुणब रामायण शुणा पर किसी दिन गत हम अच्छा अच्छा प्रभात समय हो ब्राह्मण को वरण कर ब्राह्मण पादर मुंडिया मार मुंडिया मार रामायण पाठ शुण स्वामी स्त्री दिजन जहाँ बोव रामायण पाठ शुण शुण तू एक शुणिले हम रेबू हमी दिजन जहाँ बसिक पारा तले मुंडिया मारे रामायण पाठ शुण बोले जागिर काले हेले दिजन जाक रामायण पाठ शुण जब पिला जदि ना कौन करवा ओहो रामायण शुणला पर जब न हम हाँ कौन कर हाँ ओहो रामायण शुणला पर हम कौन करा धर्म गला ये तीन जा ले आउरी पांचवा धर्म अच्छे ठीक ए चतुर्थ धर्म कौन रे कौन तीर्थ व्रत को भ्रमण करिब ब्राह्मण मान को भोजन देव लक्ष्य देव मोर पंडित वर्ग प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ परम ब्रह्म पुरुष ये ओडिशावासी को हे प्रभु नारायण श्रीकृष्ण जोपरी पांडव मान को साय कर कुरुसभार एवं युद्धस्थल पांडव मान को साय कर आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल समस्त कर्मकर्ता बंधु मान को साय करूँ ओडिशावासी को मंगल करूँ समस्ते आनंद रहंतु।